फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक वायरस डिजाइन कर सकते हैं और एक छोटा सा कोड लिख करके और वायरस डिजाइन करेंगे तो चलिए ये देखते हैं शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है नोटपैड को आप ओपन कर लीजिए ठीक है यहां से नोटपैड ओपन कर लीजिए और ये देखिए मैंने ये कोड लिखा हुआ है आप भी यही कोड लिख सकते हैं यहां पर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है WannaCry ransomware आप इसको हटा सकते हैं ठीक है और यहां पर कुछ और भी लिख सकते हैं लाइक कोई सिंबल या इस तरह की चीजें आप दे सकते हैं लाइक इस तरह से ठीक है और ये लाइक इस तरह से आप दे दीजिए और इसे डबल एटेड कोट्स में आपको रखना है ठीक है और अब इसको सेव करना है तो यहां से सेव एज पे चलता हूं और यहां से डेस्कटॉप पे चलता हूं और डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहां पर इसको सेव करना है तो मैं इसको नाम दे देता हूं वायरस ये वायरस ही है और आपको एक्सटेंशन क्या देना है यहां पे लिखना है .vbs आपको सिर्फ यही एक्सटेंशन देना है और अब इसको सेव करने की बारी है तो यहां पर चल करके और इसको अब सेव करना है तो देखिए आप इस मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं ठीक है आप इसे जहां भी सेव करें तो ये डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया अब ये वायरस यहां पर आ चुका है अब होगा क्या कि गलती से कोई इस पे क्लिक कर देगा जैसे लाइक मैंने क्लिक कर दिया इस पे तो अब ये आएगा ऐसे ठीक है और अब ये क्लोज नहीं होगा चाहे आप कितना भी क्लिक कर लें ये क्लोज होगा ही नहीं यहां पर भी क्लिक कीजिए ये क्लोज नहीं होने वाला है प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा और ये बंद नहीं होगा तो बहुत परेशानी बढ़ जाती है इस कंडीशन में तो ये एक्चुअली एक हार्मलेस वायरस है आप रिफ्रेश भी करेंगे तो भी ये हटेगा नहीं और फिर इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो भी ये क्लोज नहीं होने वाला है ठीक है तो अब ये क्लोज कैसे होगा वायरस तो बन गया लेकिन अब इसको बंद भी तो करना है तो बंद कैसे होगा ये तो बंद करने के लिए आपको कहां जाना है टास्क मैनेजर में जाना है तो यहां से मैं टास्क मैनेजर में चलता हूं ये जो टास्क मैनेजर आपको दिख रहा है यहां पर क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सर्च करना है विंडोज पर इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आप देखिए ये क्लोज नहीं होगा और यहां से अगर आप इसको डिलीट भी कर देते हैं लाइक मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो ये देखिए डिलीट हो गया लेकिन अभी ये क्लोज नहीं होगा परेशानी बढ़ जाएगी तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है हमें यहां पर सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेस्ड स्क्रिप्ट होस्ट और यहां पर जाकर के आपको राइट क्लिक करना है और यहां पर एंड टास्क कर देना है ये एंड टास्क आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको एंड टास्क पे क्लिक कर देना है बस ये वायरस गायब खत्म ठीक है और अब आप आराम से काम कर सकते हैं तो इस तरह से ये वायरस आप डिजाइन कर सकते हैं ये एक वायरस है और ये एक हार्मलेस वायरस है आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो